नमस्कार, मैं प्रिया। आज 31 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड होना चाहते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल या कोई भी जानकारी जो बिहार से संबंधित है उससे रूबरू होना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको ज्ञान बिहार की सेगमेंट वहां पर आपको मिलेगा, जिसमें जाकर के आप बिहार से जुड़ी सारी जानकारियों को ले सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आज जारी होगा बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार के 11 लॉ कॉलेजों में होगी नियुक्तियां। जारी हुआ रेलवे एनटीपीसी भर्ती का संशोधित रिजल्ट। खान सर ने दिया अभ्यर्थियों को बधाई। बिहार के एक और जिले में विमान सेवा शुरू करने का रास्ता हुआ साफ। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 11 लॉ कॉलेज में होगी नियुक्तियां। बिहार के विधि महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जल्द नियुक्ति होने वाली है, जिसके तहत ही 11 विधि महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास भी सुनिश्चित किया जाना है, जिससे ही विधि के विद्यार्थियों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। बुधवार को विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 28 विधि महाविद्यालय हैं। इसमें से 11 विधि महाविद्यालयों की मान्यता न्यायालय के आदेश पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समाप्त कर दी है, क्योंकि ऐसे कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे थे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक है। उन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा, जिसमें वो 34% मतों से पराजित हुई। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्रानी देवी के यहाँ सासाराम बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज में एमए और एलएलबी तक शिक्षा ग्रहण की है। शराबबंदी कानून में बदलाव का विधेयक हुआ पास। साल 2016 में विधानसभा में सदस्यों ने शराब ना पीने की शपथ भी ली थी, जिसके बाद से इस कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी, जिस पर ही बीते दिन बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से आखिरकार इस कानून में संशोधन कर दिया गया, जिसके तहत ही नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। जुर्माना देकर आरोपी अब छूट सकते हैं। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा हो सकती है। बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं है। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरा कर चुके आरोपी जेल से छूट जाएंगे और तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर विशेष नियम बनाए जाएंगे। बिहार में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। बिहार के मिडिल स्कूल में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अनुदेशकों के कुल स्वीकृत 8,386 पद हैं, जबकि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा में कुल 3,523 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। 11 अप्रैल से अभ्यर्थियों के आवेदन नियोजन इकाइयों में जमा लिए जाएंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है, जबकि 28 मई को चयनित अनुदेशक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। बुधवार को शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना दी गई है। आज जारी होगी बिहार बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in और biharboardonline.com या फिर ऑनलाइन bseb.in पर जारी होगा। बिहार बोर्ड ने बुधवार को मैट्रिक रिजल्ट की डेट जारी कर दी है। मार्कशीट डाउनलोड करने का लिंक biharboardonline.bihar.gov.in पर एक्टिव होगा। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड वेबसाइट के अलावा भी अन्य जगहों पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक हुई थी। 5 मार्च से मूल्यांकन शुरू हुआ था। बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्र सोमवार से इंटरनेट पर रिजल्ट को लेकर काफी अपडेट खंगाल रहे थे। सोमवार और मंगलवार को रिजल्ट जारी होने की अफवाहों ने भी उन्हें काफी परेशान किया था। बिहार विधानसभा में उठा शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता का मुद्दा।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार को शिक्षा की खराब गुणवत्ता और प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश में बाधा उत्पन्न करने वाले अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर गौर करने का निर्देश दिया है। सभाध्यक्ष ने विधानसभा में बीते दिन श्रम विभाग की तरफ से सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा अरुण शंकर के प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुए सरकार को मामले को लेकर देखने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री की हैसियत से उन्होंने 242 ITI के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था, क्योंकि इन संस्थानों में बिजली नहीं थी। बिहार के एक और जिले में विमान सेवा शुरू करने का रास्ता हुआ साफ। बिहार को जल्द ही एक और हवाई अड्डा मिलने वाला है। राजधानी पटना, गया और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया के लोग भी जल्द ही अपने जिले से विमान की सवारी कर सकेंगे। इसके लिए अपने शहर में हवाई अड्डे की सुविधा मिल जाएगी। पूर्णिया में हवाई अड्डा शुरू होने के रास्ते में अब आ रही बड़ी बाधा दूर हो गई है, जिसके बाद ही हवाई नक्शे पर पूर्णिया के जल्द ही आने की संभावना बढ़ गई है। इसकी जानकारी खुद ही जिलाधिकारी राहुल कुमार ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ही बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी 45 मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है। जल्द ही अनुशंसाओं के साथ इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजी जाएगी। मंजूरी के बाद हम नागरिक उड्डयन निदेशालय कैबिनेट विभाग को जमीन सौंप देंगे। एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार, प्रधान मुख्य सलाहकार के कुल मिलाकर 25 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक, पीजी, एमबीए, पीजीडीएम, बीटेक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.edcilindia.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब बिना इंटरनेट की मदद से ही खेती करेंगे किसान। अब किसानों को इंटरनेट वीडियो पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना इंटरनेट वीडियो के ही किसान खेती शुरू कर सकते हैं। कारण यह है कि अब कृषि संबंधित विषयों पर आधारित फिल्मों को माइक्रो एसडी कार्ड के माध्यम से प्रगतिशील किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पहुंच रहा है। इस कार्ड के माध्यम से किसान अब अपने स्मार्टफोन से वैसी जगह पर भी कृषि और संबंध विषयों की फिल्मों को देखने का काम आसानी से कर सकेंगे, जहां पर भी 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। 32GB के माइक्रो एसडी कार्ड में लगभग 60 तकनीकी फिल्मों और 70 सफलता की कहानियों के अलावा एग्रो टिप्स पर आधारित 170 फिल्में उपलब्ध हैं। इस कार्ड को मोबाइल में डालकर एग्री वीडियो ऐप इंस्टॉल करना होता है, जो कि इसी कार्ड में उपलब्ध होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकला धन कुबे। बिहार में एक के बाद एक धन कुबेरों के नाम का खुलासा हो रहा है, जिससे सरकार की भी रातों की नींद गायब है। इसी बीच बीते दिन एक और अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मधुकांत मंडल के पटना, मोतिहारी और भागलपुर के ठिकानों पर बीते दिन छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नकद, जमीन, फ्लैट, जेवरात सहित निवेश के कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मधुकांत मंडल के खिलाफ निगरानी विभाग को सबूत मिले थे कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति जमा कर रखी है। इसके बाद निगरानी थाना में मामला दर्ज कर न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर इनके ठिकानों पर विशेष टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बिहार में अब शहरों की ही तरह चकाचक होंगी गांव की गलियां। बिहार के सभी शहरों की सड़कें आज देखने लायक है, जिससे बिहार आने वाला कोई भी हो एक बार ये जरूर कहता है कि सड़कों की सूरत ही बदल गई है। हालांकि गांव में अभी भी सड़कों की समस्या है। जितनी तेजी से शहरों की सड़कों की समस्या का निवारण हुआ है और विकास हुआ है, लेकिन गांव की सड़क की स्थिति अभी भी बदहाल है। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ग्रामीण इलाकों की सड़कों की यही स्थिति नहीं रहने वाली है, क्योंकि जल्द ही गांव की गलियां भी अब शहरों की तरह चकाचक होने वाली है। क्योंकि अब बिहार के गांव की गलियों से लेकर सड़कों तक की सफाई के लिए हर वार्ड में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति होने वाली है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सभी नगर निकायों में होने वाली सफाई के तर्ज पर ही इस काम योजना का संचालन किया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही बिहार में लगभग 1,10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है। सिर्फ 529 कर्मियों के भरोसे 1 करोड़ से अधिक वाहनों की जांच की जिम्मेदारी। परिवहन विभाग में 2/3 पद खाली है, जिसमें मात्र 1/3 पद से विभाग का काम चल रहा है। इतनी संख्या में कर्मियों की कमी का असर विभागीय कामकाज पर हो रहा है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ियों को फिटनेस और अन्य जांच कराने में लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। विभाग में ही खाली पद मुख्यालय से लेकर फील्ड तक मौजूद है। आंकड़ों के अनुसार कुल स्वीकृत पद 1723 में से मात्र 529 अधिकारी और कर्मचारी ही कार्यरत है। इस तरह 1194 पद खाली है। इसके ब्यौरे पर गौर करें तो मुख्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या 109 है। इसमें से 42 पद पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। जारी हुआ रेलवे एनटीपीसी भर्ती का संशोधित रिजल्ट, खान सर ने दी अभ्यर्थियों को बधाई।
रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर बीते कुछ समय पहले ही काफी विरोध हुआ था। छात्रों का गुस्सा ऐसा फूटा था कि रेलवे कई दिनों तक बाधित हो गया था, जिसके बाद ही सरकार को भी मजबूरी ही सही लेकिन रिजल्ट को वापस लेना पड़ा, जिसके बाद ही एक बार फिर से बीते दिन रिजल्ट को जारी किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार एनटीपीसी सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया। संशोधित रिजल्ट अप्रैल पहले सप्ताह में जारी किया जाना था, लेकिन रेलवे ने एक सप्ताह पहले इसकी घोषणा कर दी है। वहीं रिजल्ट के जारी होने के साथ ही पास होने वाले अभ्यर्थियों को खान सर ने भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। बिहार में तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम अपने तेवर बदल रहा है। बिहार में बीते कुछ दिनों से वातावरण में तपिश काफी तेजी से बढ़ी है। सूरज की किरणें भी अब तेज होने लगी है। हालांकि बीते दिन से राजधानी पटना समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज ही बदल गया है। वैज्ञानियों के अनुसार आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी विपरीत प्रभाव डालने वाले हैं, यानी कहीं हीट वेव चलेगी तो कहीं बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि बुधवार की सुबह राजधानी पटना समेत कई जिलों में बादल भी छाए रहे। ठंडी हवाओं ने गर्मी में राहत दी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 1 अप्रैल को प्रदेश के औरंगाबाद, गया, कैमूर जिले में हीट वेव चलने के आसार हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या रिपोर्ट सदन में हुआ पेश, एसी बिल के बकाए का हुआ खुलासा। बिहार विधानसभा में बीते दिन साल 2020-21 की क्या रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई। क्या रिपोर्ट में कई तरह की खामियों का खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट में मार्च 2021 तक 13,459.71 करोड़ के कुल 26,504 एसी बिल बकाया होने का खुलासा हुआ है। कैग ने इस पर राशि के अपव्यय और दुरुपयोग की तरफ से अपनी आशंका जाहिर की है। इसके साथ ही साल 2020-21 में 15,911.62 करोड़ के 608 उपयोगिता प्रमाण पत्र दायर हुए, जो बिहार सरकार के विभागों द्वारा दिए गए सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकारों द्वारा समर्पित नहीं किए गए। वहीं 2020-21 की अवधि के लिए नई पेंशन योजना में पहले के बकाया सहित कुल 338.96 करोड़ की राशि का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। बिहार में जल्द ही लाइब्रेरियन की भर्ती होगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर। बिहार में एक दशक से अधिक समय से लाइब्रेरियन की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। इसको लेकर बीते लंबे समय से केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि कितने पदों पर सृजन का काम होना है, ना ही इसकी गणना भी हो सकी है। हालांकि अब सरकार ने उम्मीद जरूर दी है कि जल्द ही लाइब्रेरियन नियुक्ति के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए नियमावली बनकर तैयार है। अभी तक 893 पदों की संख्या को सृजित किया गया है। ये सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ही है। इसके अलावा अन्य रिक्तियों को देखा जा रहा है। बिहार में पीजी डिप्लोमा पास करने वाले 138 डॉक्टरों की हुई नियुक्ति। बीते दिन बिहार के सभी वैसे 138 डॉक्टर जिन्होंने अपना पीजी डिप्लोमा पास कर लिया, उन्हें अस्पतालों में नियुक्त करने का काम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी डॉक्टरों को संकल्प भी दिलवा दिया गया, जिसके तहत ही ऐसे लोगों को 3 साल की अनिवार्य सेवा राज्य में देनी है। इसी आलोक में नियुक्ति की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है उसमें ही ट्यूटर, रेजिडेंट डॉक्टर, एनेस्थेसिस्ट कंसल्टेंट इत्यादि पदों पर इन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ सभी डॉक्टरों को कहा गया है कि वो तत्काल अस्पतालों में योगदान देंगे। इन डॉक्टरों को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तौर पर पहले से मिल रहे वेतन और भत्ते ही दिए जाएंगे। बिहार में ट्रेनों की रफ्तार घटकर हुई 43.10 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलवे बोर्ड की तरफ से मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की फरवरी तक जारी रिपोर्ट बीते दिन पेश की गई। इसमें ही पूर्व मध्य रेल में गत वर्ष की तुलना में दुर्घटनाएं बढ़ने का खुलासा हुआ है। पेश किए गए रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सुरक्षा से संबंधित दुर्घटना हो या इंजन का फेल होना, सिग्नल फेल हो या रेलवे की पटरियों का चटकना, सभी मामलों में वृद्धि हुई है। वहीं ट्रेनों के परिचालन में सिग्नल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिछले साल 756 सिग्नल खराब होने की घटनाएं हुई थी। इसके साथ ही रेल पटरियों में दरार और पहियों में खराबी की घटनाएं पिछले साल की 31 से बढ़कर इस साल 33 हो गई है। पिछले साल डीजल इंजन के फेल होने की संख्या 61 थी, जो इस साल 68 हो गई है। वहीं पिछले साल के 593 इलेक्ट्रिक इंजन फेल की घटनाएं बढ़कर 651 हो गई। ट्रेनों की बोगियों के अलावा होने की घटना भी ट्रेनों के बोगियों के अलग होने की घटना भी बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर फिर सरकार का किया घेराव। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीते लंबे समय से हो रही है। यही एक मुद्दा भी है जिस पर पक्ष और विपक्ष की राय एक समान है। हालांकि सरकार की तरफ से की जा रही लेट लतीफी से अब विपक्ष भी परेशान है। यही कारण भी है कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार का घेराव किया।
जिसके तहत ही बीते दिन पहले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज में राजद एमएलसी प्रत्याशी दिलीप सिंह के लिए जनप्रतिनिधियों से वोट मांगते देखे गए। उसके बाद ही कार्यक्रम में नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, बिहार में सरकार है या सरकार। योगी को बनाए बिहार का सीएम। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में बीते दिन विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक को पेश कर दिया गया, जिसके बाद ही पेश किए गए विधेयक पर राबड़ी देवी ने शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर निशाना साधा है, जिसके तहत ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत शराबबंदी को लेकर साफ नहीं है। अगर सही से शराबबंदी लागू होगी तो हम लोग भी साथ देंगे। वहीं बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सरकार पंगु हो चुकी है, योगी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। इतना ही नहीं, विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने पहुंची पूर्व सीएम ने साफ साफ कहा है कि बिहार की सरकार अब काम करने लायक नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर से दिखा विधानसभा में मार्शल का बल प्रयोग, खींचकर विधायक को निकाला बाहर। बिहार विधानसभा में विधायकों और पुलिस के बीच हुई झड़प की निंदा देश भर में हुई थी, जिसके बाद उम्मीद यही थी कि विधायकों और पुलिस बल के बीच ऐसी कोई भी वारदात आने वाले समय में नहीं दोहराई जाएगी, लेकिन बीते दिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से पिछले साल का मंजर आंखों के सामने आ गया, जब सदन में मौजूद AIMIM विधायक को स्पीकर ने मार्शल को बुलवाकर बाहर का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि बीते दिन सदन में AIMIM विधायक अख्तरुल इमान कार्यस्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे, इसी दौरान सदन में वो वेल के अंदर आ गए और खूब हंगामा करने लगे। इसके बाद ही स्पीकर ने उन्हें मार्शल की मदद से बाहर का रास्ता दिखाया। चिराग अब खाली करेंगे अपना 12 जनपद बंगला। मोदी को अपना राम मानने वाले चिराग को उनके ही भगवान ने करारा झटका दे दिया। पहले साथ देने की आश्वासन के बाद अब धीरे धीरे भाजपा अपना हाथ खींचने लगी है, जिसके तहत ही अब रामविलास पासवान के नाम से आवंटित 12 जनपद बंगले को खाली करवाने का काम शुरू हो गया है। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद ही चिराग अपनी मां के साथ रह रहे थे। इस बंगले को खाली करने के लिए ही चिराग को पहले ही नोटिस दिया गया था। इसके बाद ही बीते दिन से कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बंगला करीब 30 साल से पासवान परिवार के पास रहा है और चिराग अपनी मां के साथ इसी बंगले में रह रहे हैं। मोदी सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिन बड़ा तोहफा दिया है। इसको लेकर बिहार कैबिनेट की मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया। वहीं जनवरी फरवरी 2022 का एरियर भी मिलने वाला है, जिसके तहत ही अब नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था, इसको ही बढ़ाकर अब 34% किया गया है। जानकारों की माने तो इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में 1774 में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला। मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। बंबई में 1964 में इलेक्ट्रिक ट्राम आखिरी बार चली। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2011 में भारत की आबादी बढ़कर 121 करोड़ यानी कि 1 अरब 21 करोड़ हो गई थी। 10 साल पहले हुई गणना के मुकाबले यह 17.64% ज्यादा है। 1665 में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म हुआ था। रोमांचक मैच में बैंगलोर ने कोलकाता को 3 विकेट से दी मात। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के छठे मैच यानी कि बुधवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कोलकाता की बल्लेबाजी काफी निराशाजनक रही और टीम 18.5 ओवर में 128 रन बनाकर ढेर हो गई। बैंगलोर के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने 28, शहबाज अहमद ने 27 और डेविड बिली ने 18 रन बनाए। बैंगलोर के सीजन में ये पहली जीत है तो वहीं कोलकाता को पहली हार का सामना करना पड़ा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा कुमारी, अर्पण कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रविंद्र पासवान, मुस्कान कुमारी, रमाकांत कुमार, बिरजू कुमार, गौरव कुमार, सुमन आर्य, शशि भूषण, गोपाल गौतम, गुड्डू कुमार, मुकेश कुमार, रंजीत सिंह, रसोनी राज, नंदनी कुमार, नंदनी ठाकुर। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शराबबंदी कानून में हुए संशोधन से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।